नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक रजक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप 2021 में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देंगे तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितना फ़ीस लगेगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और वहाँ पे आके टाइप करना होगा UPMSP और सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं UPMSP एक वेबसाइट दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये पेज ओपन हो चुका है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड्स। यहाँ देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड्स, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अग्रिम पंजीकरण की समय सारणी, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं परीक्षा वर्ष 2021 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के संस्था एवं व्यक्तिगत आवेदन की समय सारणी। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहां देख सकते हैं लिखा गया है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सर्वसाधारण के सूचार्थ विद्यापति प्रशासित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद 2020 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संस्था एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे आप पूरी जानकारी देख सकते हैं कि आपको कब तक आपका ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड कर देना। हालांकि ये सब ऑनलाइन आपके विद्यालय द्वारा किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ लेना नहीं है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एक आइकन मिलेगा यहाँ पे एक दूसरे पेज में, वर्ष 2021 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का विवरण। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है हाई स्कूल संस्था 500 रुपये, परीक्षा शुल्क 500 रुपये, अंक पत्र शुल्क 1 रुपये, और टोटल आपका जो पैसा हो जा रहा है यहाँ पे 5 रुपये, 501 रुपये। तो हाई स्कूल वालों का 501 रुपये लगेगा, ठीक। ये आपका परीक्षा शुल्क है, टोटल आपको 501 रुपये देना पड़ेगा हाई स्कूल वालों के लिए। और वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इंटरमीडिएट वालों का बताया गया है, तो इंटरमीडिएट वालों का जो है यहाँ पे 601 रुपये लगेगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपका 601 रुपये लगेगा, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपका 501 रुपये लगेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उनका फ़ीस यहाँ कुछ ज़्यादा लग रहा है। प्राइवेट कॉलेज वालों का फ़ीस कम से कम 806 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके का कुछ यही जानकारी था, हम सोचे आपको बता दें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।